नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जून 2022 संडे। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और आज और मंडे ऑनवर्ड्स क्या क्या एक्टिविटीज हो सकता है। ये है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स एक इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है, सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस इज ऑल्सो देयर। अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे, सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस इज देयर। सो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड मूव इन बिटवीन 101.50 ऑन द लोअर साइड एंड 105.80 ऑन द हायर साइड, जब तक आइदर साइड का ब्रेकआउट नहीं दे देता है। अगर हम इसको डेली में देखेंगे, डेली में सम सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशंस हुआ है। इसका मतलब क्या है? ब्रेक डाउन बिलो द लोअर लाइन नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड है, ब्रेक आउट अबोव द अपर लाइन इसको ऊपर जाने का संभावना हो सकता है। अगर हम मंथली देखेंगे, मंथली अभी देखिए ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसके हाई की मीन्स ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज दे रहा है, मीन्स काफी पॉजिटिविटी है। बट इसको ब्रेकआउट करने के लिए आपका और भी ताकत जरूरी है, एनर्जीज जरूरी है। अगर यहाँ पे देखेंगे एक रेंज है, अगर कन्विंसिंगली इसके हाई के ऊपर यानी मई महीने का हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, देयर मे बी वन पॉसिबिलिटी दैट द डॉलर इंडेक्स मे मूव टुवर्ड्स 117। लेकिन अभी पैनिक करके फायदा नहीं है बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। कन्विंसिंगली इसके हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा ऑन ए मंथली बेसिस। अभी हम डॉलर रुपी में देखेंगे, डॉलर रुपी में बेसिकली पिछले 3 दिन से जो हाई बना रहा है ऑलमोस्ट नियर बाई है, 22 जून एंड 23 जून इट वॉज नियर बाई द ट्विजर टॉप। वट इट मीन्स, जब तक ये 2 दिन का हाई यानी 78.40 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की थोड़ा सा नीचे की तरफ आने का संभावना है। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में भी सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस इज देयर। तो सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस इज देयर बट दैट डजंट मीन कि डाइवर्जेंस हो गया तो अभी बेचो, ये नीचे आएगा। सर्टेन कंफर्मेशंस आर नीडेड, प्राइस एक्शन हैज टू कंफर्म। प्राइस एक्शन यहाँ पे अभी तो नेगेटिविटी की तरफ दिख नहीं रहा है। तो जब तक ये आपका 17 जून का लो के नीचे क्लोज नहीं दे देता है तो हम स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बारे में सोच नहीं पाएंगे। उल्टा आपका 22 जून के हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो दोबारा एक लॉन्ग क्रिएट हो सकता है। एक कॉशन है, कॉशन यही है कि हायर लेवल पे दैट सेलिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक दैट इज द इंटरवेंशन पार्ट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक दैट मीन्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज देयर ऑन मीन्स दैट बीइंग द केस, जूम जूम करके इतना रैपिडली ऊपर नहीं जाएगा। जब भी एक ऊपर की तरफ उछाल देगा वहां पे हम सेल कर सकते हैं, एंटीसिपेटिंग आरबीआई इंटरवेंशंस विथ कीपिंग द स्टॉप लॉस ऑन ए पर्टिकुलर लेवल। अगर हम यूरो डॉलर में देखेंगे, यूरो डॉलर में बेसिकली एक आउटसाइड इनसाइड टाइप ऑफ फॉर्मेशंस हो रहा है। व्हाट इट मींस, ये जो पिछले हफ्ता यानी 13 जून वाला जो वीक है उसके हाई के ऊपर अभी तक क्लोज नहीं दिया है, उसके हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है 13 जून के हाई दैट इज 1.0602 के ऊपर क्लोज दे देता है ऑन ए डेली बेसिस, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये हेडिंग टुवर्ड्स 1.0780। एक बार अगर 1.0780 के ऊपर क्लोज दे देता है देन यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, जहाँ पे आपका समथिंग लाइक दिस, पहले ये नेकलाइन तक आना पड़ेगा दैट इज द टारगेट इज 1.0780 से 1.08 के आसपास। उसके बाद अगर इसके हाई के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज दे देता है देन कम्स द डब्ल्यू पैटर्न, एंड डब्ल्यू पैटर्न में इन सच सिनेरियो द टारगेट विल बी
1.12 टारगेट, दैट इज ये इसके ऊपर अनदर 4 biggies आर एक्सपेक्टेड वीकली टाइम फ्रेम पे है, काफी टाइम लगेगा इमीडिएटली जूम जूम करके जाने का, कोई एंटिसिपेशन है नहीं, तो थोड़ा सा प्राइस सेक्शन हमें इसको केयरफुली मॉनिटर करना है। अगर हम डेली में देखेंगे, डेली में थोड़ा सा एक रेंज बना हुआ है 1.06 ऑन द हायर साइड एंड 1.0350 ऑन द लोअर साइड, ये रेंज के ऊपर एक बार ब्रेकआउट दे देता है देन इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.08, लेकिन उससे पहले ये साइडवेज चॉपी मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर हम जीबीपी डॉलर में देखेंगे, जीबीपी डॉलर में लास्ट वीक का जो एक छोटा कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, उससे पहले एक आपका अच्छा खासा पिन बार फॉर्मेशंस दिखा गया है, एंड यहाँ पे जो प्राइस सेक्शंस हो रहा है इसमें एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, व्हाट इट मींस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के ये यहाँ तक आ सकता है, दैट मींस आपका यहाँ तक 1.2670 से 1.2680 की तरफ, अगर एक बार अगर 1.2670 ये नेकलाइन के ऊपर क्लोज दे देता है इन सच ए सिनारियो, उसके बाद हमें यहाँ तक हम इसको प्राइस सेक्शन को देख सकते हैं, दैट इज 1.34, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, सो इमीडिएटली एज ऑफ नाउ इट इज एट 1.23 लेवल्स, तो हम अगर 1.34 बोलने का टारगेट देंगे इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल एनालिसिस, क्योंकि पहले ये आउटसाइड इनसाइड का टारगेट देना पड़ेगा, देन इसके ऊपर कन्विंसिंगली ब्रेकआउट देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन द डब्ल्यू टारगेट। अगर हम डेली बेसिस में देखेंगे, डेली बेसिस में एक रेंज बनाया हुआ है, दैट इज 1.24 ऑन द हायर साइड एंड 1.1950 ऑन द लोअर साइड, अगर इसको ऊपर की तरफ ये टारगेट जाना है 1.2670 की तरफ जाना है, तो ये रेंज जो है इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन ये टारगेट एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज सम सॉर्ट ऑफ साइडवेज वॉलेटाइल चॉपी मूवमेंट आर एक्सपेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। यूरो डॉलर डॉलर येन जो है अभी 135.16 पे क्लोज दिया है वीकली क्लोज, सो यहाँ पे काफी पॉजिटिविटी काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है, एंड ये एक ट्रेंड लाइन हम देख सकते हैं जो काफी शार्प ट्रेंड लाइन है, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं दे देता है इसको सेलिंग के लिए सोचना सही नहीं होगा, तो बाई डिप्स जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सस्टेन कर लेता है। अगर हम इसको डेली में देखेंगे, डेली में सम सॉर्ट ऑफ मीन्स एक रेंज के अंदर में अभी कुछ टाइम के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये है आपका ऊपर की तरफ 1.36 1.37 आप पकड़ सकते हैं एंड लो की तरफ 1.31, इस रेंज के अंदर में ही थोड़ा सा वॉलेटाइल मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, इसको अगर ऊपर जाना है तो हाई के ऊपर जाना पड़ेगा, देन ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट ए न्यू हाई इन शॉर्ट टर्म, अगर इसको नीचे आना है तो ये जो आपका 16 जून का लो है इसके लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट ए डाउनवर्ड मूवमेंट, अदरवाइज सम साइडवाइज विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज, ऑल्दो द साइडवाइज है बट इट इज आपका ऑलमोस्ट 550 पिप का एक रेंज है, काफी बड़ा रेंज है। अगर हम जीबीपी आईएनए के बारे में बोलेंगे तो ये भी सिमिलर टाइप ऑफ जीबीपी डॉलर है, सम आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन से, जिसका टारगेट हमारा 98.10 के आसपास होगा, दैट विल गिव द टारगेट फॉर आउटसाइड इनसाइड, अगर इस नेक लाइन के ऊपर क्लोज दे देता है इन सच ए सिनारियो, नेक्स्ट टारगेट जो हमारा हो सकता है ये 102 के टारगेट के तरफ, सो एज ऑफ नाउ हमें ये वाला नेकलाइन के टारगेट के लिए इंतजार करना है, लोअर टाइम फ्रेम में हमें प्राइस सेक्शंस देखना है, एक बार अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज दे देता है देन वी मे थिंक अबाउट दिस पार्टिकुलर टारगेट, वीकली टाइम फ्रेम है
वीकली टाइम फ्रेम है तो टाइम भी काफी ज्यादा लगेगा, इमीडिएटली नहीं होने वाला। अगर हम डेली में देखेंगे, डेली में एक रेंज बनाया हुआ है, एक ऊपर की तरफ ये रेंज है एंड लोअर की तरफ ये रेंज है। अगर इसको ऊपर की तरफ आउटसाइड इनसाइड का टारगेट अचीव करना है, दैट इज 98 का जो टारगेट है, इसके लिए ये रेंज का जो अपर एंड है इसके हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट दिस टारगेट। अदरवाइज ये रेंज के अंदर में ही ये एक चॉपी वॉलेटाइल साइडवाइज मूवमेंट बन सकता है, दैट इज 96.65 एंड 93.50, सो इट इज ऑलमोस्ट 3 बिगी के अंदर में। यूरो आयनर देखते हैं, यूरो आयनर में भी सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन से आउटसाइड इनसाइड इसका टारगेट है ये वाला रेंज, दैट इज आपका 83.60 के आसपास का टारगेट है। एंड एक बार अगर वो टारगेट दे देता है एंड नेक लाइन के हाई के ऊपर क्लोज दे देता है, इन सच ए सिनेरियो आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस, दैट इज 86.25 से 86.50 की तरफ। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में इसको प्राइस एक्शंस को देखने का कोशिश करेंगे तो अभी एक ये सेंटर बैंड ऑन डेली टाइम फ्रेम पे ये कहाँ पे है, लोअर बैंड पे आया था, आके अभी सेंटर बैंड में ये पिछले 3 दिन से यहाँ पे मीन्स ऊपर जाऊंगा नीचे आऊंगा ऊपर जाऊंगा नीचे आऊंगा सम सॉर्ट ऑफ इंडिसेशन से। तो यहाँ पे एक अगर हम ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला जो स्ट्रेटेजी हमने प्रीवियस हमारा स्ट्रेटेजी में डिस्कस किए हैं उसको अगर हम देखेंगे, आपका डेली वर्सेस 4 आवरली पे अगर हम एक यहाँ पे ट्रेंड चैनल बनाएंगे, इसके लो के नीचे अगर क्लोज देते हैं तो हम एक शॉर्ट के लिए खेल सकते हैं फॉर ए टारगेट टूवर्ड्स दिस, अगर इसके लो के नीचे देता है तो। अगर ये रेंज के हाई के ऊपर चला जाता है इन सच ए सिनेरियो इट इज हेडिंग टूवर्ड्स 83.62। येन आईएनआर में देखेंगे नया लो पे नया लो बना रहा है बिकॉज द डॉलर येन इज मेकिंग हायर हाइज ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। तो यहाँ पर भी एक आपका आउटसाइड इनसाइड टाइप ऑफ फॉर्मेशंस बन रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है देन आवर टारगेट विल बी दिस वन 0.61 के तरफ, जो अभी है 0.8785, यानी करीबन 3 से 3.5 बीगी का एक अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक प्राइस एक्शन कन्विंसिंगली कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं दिया है, रेदर स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम इसको डेली में देखेंगे तो डेली में एक आउटसाइड इनसाइड है जहां पे एक प्रोबेबिलिटी से छोटा टारगेट जो हो सकता है आपका ये वाला टारगेट हो सकता है 0.59 से 0.5930 के तरफ, दिस इज द स्मॉल टारगेट मींस द डेली टारगेट, और वीकली टारगेट हो जाएगा ये डेली टारगेट का इसके नेक लाइन के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो वीकली जो आउटसाइड इनसाइड का टारगेट होगा वहां पे ये एक टारगेट बना सकता है। एनीथिंग बिलो द लो ऑफ द दिस पर्टिकुलर रेंज दैट इज आपका 21 जून के लो के नीचे एक फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा दोनों साइड का बायस है बिकॉज वीकली में कोई मेजर प्राइस एक्शंस दिखा नहीं रहे, रेदर ए स्पिनिंग टॉप। अगर हम वीकली में डॉलर के इंडिका देखेंगे हम तो यहाँ पे रेगुलर कंसिस्टेंटली ये पार्टिकुलर लेवल पे 1.30 के आसपास बेसिकली काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पहले मिला है। अभी अगर इसको ऊपर जाना है जो भी आपका 13 जून वाला वीक है उसमें क्लोज दिया था लेकिन लास्ट वीक में ये फॉलो थ्रू नहीं दिया है, रेदर नीचे की तरफ आ चुका है। इसको अगर ऊपर के तरफ जाना है रेजिस्टेंस को तोड़ के तो पिछले 13 जून वाला जो वीक का हाई है उसके हाई के ऊपर ये क्लोज देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट ए मूव टुवर्ड्स 1.34। और अगर ये देखिए सम सॉर्ट ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड अगर कंसीडर करेंगे देन देर आर हायर पॉसिबिलिटीज के आपका जो डॉलर कैंडी है ये काफी तेजी से 1.25 के तरफ आ सकता है। व्हाट इट मींस वीकली बेसिस में अगर 13 जून का हाई के ऊपर चला जाता है 1.34, अगर अगले हफ्ते यानी मंडे ऑनवर्ड्स ये
इसके लो के नीचे कॉन्विंसिंगली एक दिन का क्लोज दे देता है सक्सेसफुली, देन वी मे एक्सपेक्ट ए शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 1.2450 की तरफ। अगर हम इसको डेली में देखेंगे, डेली में सम सॉर्ट ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट लग रहा है एंड यहाँ पे एक प्राइस सेक्शन जो है ये जो आपका 22 जून के लो के नीचे ये फ्राइडे वाला क्लोज दे चुका है। व्हाट इट मींस, मंडे को अगर एक घंटे के लिए 24 जून के लो के नीचे कैंडल प्राइस एक्शन क्लोज दे देता है, देन इन सच ए सिनेरियो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज दैट द डॉलर कैन बी मे मूव टुवर्ड्स 1.2450 से 1.2500 के तरफ काफी शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर हम ऑसी डॉलर का वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था, सपोर्ट के यहाँ पे काफी दो बार नीचे की तरफ ब्रेक करने का कोशिश कर चुका है। पहले आपका 9th मई वाला वीक, देन 13th जून वाला वीक, ये इसको नीचे की तरफ क्लोज करने का कोशिश कर चुका है। नाउ वी आर हैविंग ए टू डिसाइसिव लेवल, एक है 13th जून के लो के नीचे का एक लेवल है एंड 13th जून के हाई के ऊपर का एक लेवल है। दिस रेंज इज गोइंग टू मेक ए डिसाइसिव रेंज, डिसाइसिव इन द सेंस इसके हाई के ऊपर दिस विल बी कंसीडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट एंड वी मे एक्सपेक्ट ए वेरी क्विक अपवर्ड मूवमेंट टूवर्ड्स दिस, दैट इज 0.75। One more second scenario, that is the other scenario is low के नीचे 13 जून के low के नीचे अगर close दे देता है, then we may expect a downward move towards 0.6425। ये 0.6425 जो है ये पहले का एक support zone भी है price action के हिसाब से। तो 13 जून वाला रेंज इज ए डिसाइसिव रेंज, उसके हाई के ऊपर यहाँ तक, उसके लो के नीचे यहाँ तक, वी शुड बी रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल। अगर हम डेली में देखेंगे, डेली में ये आपका डेली में एक इनसाइड आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन कर चुका है जिसका टारगेट आपका 0.7050 की तरफ हो सकता है, दैट इज द टारगेट एंड उसके हाई के ऊपर क्लोज देगा तो दिस पर्टिकुलर टारगेट दैट इज 0.73 की तरफ। सो ये जो जितने भी हमने, अच्छा और एक डॉलर सीएनएच का भी हम प्राइस एक्शंस एक बार देख लेते हैं। डॉलर सीएनएच में एक प्राइस एक्शंस बनाया हुआ है जिसमें हमें देखना है 6th जून वीक का जो लो है उसके लो के नीचे वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड सेल ऑफ। गुड सेल ऑफ तो प्रोबेबल पहला सपोर्ट हो सकता है ये वाला एंड दूसरा प्रोबेबल सपोर्ट हो सकता है दिस। ये एक वो हो गया, अगर आपका 13 जून के हाई के ऊपर क्लोज दे देता है तो यहां पे फिर दोबारा इमीडिएट जो स्विंग हाई है उसको चैलेंज करने का कोशिश करेगा। सो 6th जून का लो is very crucial as far as the price action is concerned. इसको daily में देखने का कोशिश करते हैं। daily में भी वही है आपका, ये एक triangle type का हो रहा है, either side breakout may lead to a trended market, नीचे की तरफ एक सेल ऑफ ऊपर की तरफ एक बाई का एक्सपेक्टेशन है। अगर हम यूके ऑयल का देखेंगे जो 112.44 में लास्ट क्लोज दे चुका है, आप अगर देखोगे कि ये एक रेंज आपका 138 ऑन द हायर साइड एंड 97 ऑन द लोअर साइड, इसके रेंज के अंदर में ही काफी बड़ा प्ले कर रहा है एंड यहाँ पे एक आपका आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन हो चुका है ऑन ए वीकली बेसिस, दैट शोज दैट देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 97 एंड 97 के नीचे क्लोज देगा तो फिर एक
एम टारगेट का एक एक्सपेक्टेशंस हमें हम उसको कर सकते हैं टुवर्ड्स 70। सो अभी 70 के लिए हम बात नहीं करेंगे क्योंकि काफी दूर इसको मूव करना है। प्रेजेंट करेंट सिनेरियोस पे काफी कुछ ग्लोबल इवेंट्स चल रहा है, कभी ये कमेंट कभी वो कमेंट। हालांकि अभी उतना रैपिडली ये एरिया पे जब था जितना वॉलेटाइल था उतना वॉलेटाइल है नहीं, लेकिन ये जो प्राइस सेक्शन के हिसाब से 97 के लिए हम सोच सकते हैं। ऑन लोअर टाइम फ्रेम हम इसको प्राइस को चेकआउट करके थोड़ा सा सेल ऑप्टिक्स। सो डेली में अगर हम देखेंगे डेली में अगर 118 के आसपास आता है तो हम इसको शॉर्ट के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कीपिंग ए स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस अबोव दिस हाई दैट इज 17 जून का हाई फॉर ए टारगेट। फर्स्ट टारगेट टुवर्ड्स 107 एंड सेकंड टारगेट टुवर्ड्स 97, इसको हम देख सकते हैं। अगर हम इसको यूएस 10 ईयर ट्रेजरी का देखेंगे तो यहाँ पे एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस दिख रहा है। बेसिकली जितना भी हमने एनालिसिस किया है ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट पे आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस हो रहा है, मीन्स जीबीपी डॉलर यूरो डॉलर जीबीपी आईएनआर यूरो आईएनआर पे लोअर साइड पे आउटसाइड इनसाइड एंड सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स ये जो है डॉलर इंडेक्स एंड ब्रेंट ऑयल यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यहाँ पे एक ऊपर की तरफ आउटसाइड इनसाइड। आउटसाइड इनसाइड सेम टाइप ऑफ थिंग्स जिसमें हमारा टारगेट हो सकता है सब्जेक्ट टू प्राइस एक्शन कॉन्फर्मेशंस। यहाँ पे हो सकता है आपका 2.71 एंड 2.06। लेकिन अभी हम अगर 2.06 के बारे में बोलेंगे तो सब मेरे को पागल करार देंगे बिकॉज इट इज बियॉन्ड एवरी वर्ड इज इमेजिनेशन कि 2.06 आएगा। अभी मेरा एनालिसिस भी नहीं बोल रहा है कि ये 2.06 आएगा, पहले इसको यहाँ तक आना है। अगर आता है 2.70 उसके लो के नीचे कॉन्विंसिंगली क्लोज दे देता है देन डाउनवर्ड टारगेट में भी 2.07। सो स्टेप बाय स्टेप हमें इसको देखना चाहिए। ऑल करेंसी पेयर्स गिविंग सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशंस, पहले आउटसाइड इनसाइड जिसका नेक लाइन टारगेट होना चाहिए। वंस नेक लाइन अचीव करता है देन उसका एम टारगेट या लोअर साइड में होगा तो डब्ल्यू का टारगेट के लिए हम इंतजार कर सकते हैं। तो वीकली करेंसी एनालिसिस में अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड सर्कल। जिन्होंने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को दोबारा एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस पर्टिकुलर चैनल के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ एंड ऑल्सो काफी अपग्रेडेशंस करने का कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो प्रेजेंटेशन लेवल्स हो चाहे वो एनालिसिस का लेवल्स हो, एक इफोर्ट दे रहा हूँ। एंड आने वाले दिनों में ये इसका मेरा जो प्रेजेंटेशन है और भी बेहतर बनाने का मेरा एक इच्छा है, चाहे वो कंटेंट वाइज हो चाहे वो प्रेजेंटेशन वाइज हो। इसीलिए आप जिन्होंने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वंस अगेन रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन इट विल गिव सम सॉर्ट ऑफ मेरा जो मेहनत है उसका एक एप्रिसिएशन हम कंसीडर कर सकते हैं। हाँ ये जो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी है यहाँ पे हम अगर दोनों लो को कंसीडर करेंगे तो एक आपका 60 डिग्री ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ये 60 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर इसको 2.70 के तरफ आना है तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसके लो के नीचे क्लोज देना मस्ट है, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट 2.70। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप
इस वीकेंड में अच्छी तरह से खुद को री एनर्जाइज कीजिए ताकि कल से फिर दोबारा नया हफ्ते नए एनर्जी के साथ आप मार्केट को फेस कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू टू एवरीवन।